खुलासा मैं कर दूंगा, चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई, चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है। एलएसी पे दोनों देश की सेनाएं आंखों में आंखें डाले खड़ी है। टेम्परेचर -20-25 पहुंच रहा है और अब मैदानी इलाकों ने उत्तरी भारत में भी सर्दियां शुरू हो गई है। दोनों देश के सेनाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि सर्दी में कैसे कटेगी रात, कैसे कटेगा दिन। लेकिन चीन है कि मानता नहीं। उसका कहना यह है कि पहले आप दक्षिण पेंगोंग का दक्षिणी छोड़ो और चार को, जो पेंगोंग लेक का जो फिंगर फोर है उसको छोड़ दीजिए। 5 से 8 तक चीन जो है गश्त करेगा और 1 से लेकर के और 3 तक आप गश्त कीजिए, जो कि भारत को कतई मंजूर नहीं, क्योंकि ये उसकी चाल है कि अक्साई चीन में फिंगर फोर को मिला दिया जाए। भारत ने साफ कर दिया है। बात ये आ रही है कि चीन ने पेंगोंग वाले पे जहाँ फिंगर 8 से लेकर के और फिंगर 4 तक लगभग 8 किलोमीटर और पूरा इलाका यदि जोड़ देंगे तो कहा जा रहा है कि 1200 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है, घुसपैठ किया हुआ है। ये आंकड़ा बहुत दिनों से बताया जा रहा है। तो आज जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो पटना में चुनावी रैली में थे, उसको लेकर के वो काफ़ी पहले आक्रोशित दिखे और उनका कहना ये है कि यदि मैं अपनी जुबान खोलता हूँ, चिट्ठा खोलता हूँ, तो कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। पहले राजनाथ सिंह को सुन लीजिए। बहनों भाइयों, आज कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन ने आकर 1200 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली। खुलासा मैं कर दूंगा, चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, 1962 से लेकर 2013 तक का इतिहास उठाकर देखिए। और मैं कहना चाहता हूं, रक्षा मंत्री होने के नाते सीना ठोक कर कहना चाहता हूं, हमारे सेना के जवानों ने इस बार जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है बहनों भाइयों, देश का मस्तक धर्म के साथ ऊंचाई दिया। तो आपने राजनाथ सिंह को सुना, वो दो 1962 से लेकर के और 2013-14 तक की बात कर रहे हैं, यानी बीच में और भी सरकारें आई हैं, लेकिन उनका वार जो है, वो अटैक जो है, वो कांग्रेस पे है, क्योंकि 1200 किलोमीटर वाला की बात और चीन को लेके घेराबंदी कांग्रेस और राहुल गांधी ही सबसे ज़्यादा करते रहे हैं। तो मोदी सरकार ने कभी ये नहीं माना कि चीन ने कब्जा कर लिया। आपको याद होगा जब उन्होंने सभी दलों के नेताओं को बुला करके बातचीत की, तब उन्होंने कहा था कि ना कोई घुस आया है ना कोई घुसा हुआ है। और 15 जून को जो गलवान घाटी में हुआ था, बाद में इंटरप्रिटेशन दिया गया कि उस संदर्भ में उन्होंने ये बोला था। लेकिन राजनाथ सिंह पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं और अच्छा बोलते हैं, तो उन्होंने काफ़ी आक्रामक ढंग से इस बात को कहा है। और ये इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान वाले मुद्दे को भी उठाया कि पुलवामा अटैक को लेकर के कैसे कैसे वार किए गए थे, प्रधानमंत्री ने करा दिया होगा चुनाव जीतने के लिए। अब पाकिस्तान की संसद से ही उसका जवाब मिल गया है कि पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने नेशनल असेंबली में मान लिया कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने कराया था। और उसके बाद पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी वहाँ के विपक्षी दल के सांसद ने भी बता दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा जो है इमोशनल कार्ड है। और राजनाथ सिंह ने जो बात बोली है, आगे चल करके और ज़्यादा इस पर हमलावर होगी अब बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से चीन को लेकर के भारत की जो रणनीति है क्वाड में, जिस तरीके से भारत एक्टिव है, जिस तरीके से अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इंटरव्यू में साफ कर दिया कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और भारत भी अपने इसी स्टैंड पे कायम है कि चीन हम पीछे नहीं हटेंगे, आपको अप्रैल वाली स्थिति में जाना होगा, दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा रही है। कब ये कैसे फलीभूत होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि जो चीन ने सोचा था वो नहीं हुआ है। अब मोदी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रणनीति और सफलता तभी मानी जाएगी जब चीन को अप्रैल या 5 मई से पहले वाली स्थिति में वो भेज दे, तो इस पर नज़र रहेगी। लेकिन राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से आज बोला है उसका कुछ ना कुछ तो मतलब है, कभी ये बात हो सकता है कि वो चिट्ठा सामने रख भी दें। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और...